झुंझुनू के बगड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जुगलाल सिंह बुडानिया के खिलाफ बगड़ के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आज इसी क्रम में पार्षद सुभाष मुंदेला तथा एडवोकेट रामपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर बगड़ के लोगों ने प्रदर्शन किया और डॉक्टर बुडानिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लोगों का आरोप था कि मरीजों के साथ डॉक्टर बुडानिया का व्यवहार ठीक नहीं है। हाल ही में 19 अगस्त को भी उन्होंने पहले तो खटीक समाज से दलित पार्षद सुभाष मुंदेला के साथ बदसलूकी की और फिर गाली गलौच भी की। इस संदर्भ में थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो पूरा खटीक समाज बगड़ के सर्व समाज के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। मैं रामपाल सिंह, मेरी मीडिया के द्वारा जनता से और प्रशासन से निवेदन है कि एक ऐसे डॉक्टर को जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, वो भी बच्चों को, बूढ़ों को या आमजन को सरेआम गाली देकर प्रताड़ित करके, चाहे वो समाज सूचक हो, कोई भी हो, ये डॉक्टर अपने आप को हॉस्पिटल का मालिक समझता है। ये निजी प्रॉपर्टी बना रखी है उसने। आपका मतलब ऐसा एटीट्यूड है कि बुडानिया, मेरी कोई उनसे जातिगत विशेष कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। उनके कृत्य ऐसे हैं, समाज को बोलने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। 2019 में 11 फरवरी 2019 को उन्होंने मेरे बच्चे की भी लात मारी हॉस्पिटल के अंदर, जो 7 साल का था। मैं उसे दिखाने के लिए गया था, मैंने डॉक्टर को दिया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, रघु शर्मा को देखा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। इन सब की मिली विगत है, डॉक्टर हो चाहे कोई भी आमजन हो, अपराध तभी करता है जब प्रशासन उसके साथ होता है। 20 साल से वो डॉक्टर महाशीत में बैठा है, या तो प्रशासन बैठाने वाला पागल है या फिर ये जनता पागल है जो उसका जुल्म सहे जा रहे हैं आए दिन। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, उसके खिलाफ जांच हो, और ऐसे अगर वो दोषी पाए जाए तो उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। प्रशासन करेंगे, जनता उग्र रूप ले लेगी, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा जो भी घटना होगी। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट रामपाल सिंह राठौड़। डॉक्टर जुगलाल बुडानिया ने बगड़ के अंदर बहुत गुंडागर्दी कर रखी है, अपनी मनमर्जी चलाता है। अगर उसको अपने काम के बारे में बताया जाता है तो वो कोर्ट के अंदर, थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देता है, पुलिस को बुलवा लेता है। पहले भी काफी लोगों को पुलिस के थ्रू पिटवा चुका है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है। 19 तारीख को मेरे साथ में भी उसने ऐसी घटना की, उसके काम के बारे में नहीं बताने के लिए चला तो उसने समाज के बारे में गलत शब्द भी दिया। उसने बोले ऐसी समाज, नीच समाज के हो तुम, तो ऐसी घटना कर करके वो समाज इस हॉस्पिटल के अंदर रहने लायक आदमी नहीं है, उसका कहीं भी अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सीएचओ साहब से आप ज्ञापन देने जा रहे हैं। यह कि या उनको गिरफ्तार किया जाए और यहाँ से इसको हटाया जाए। आज पूरा एक साथ है, एकजुट है बगड़, पूरा ऐसी समाज एकजुट है। नहीं, क्या गाली थी उन्होंने? क्या क्या उसने ये कहा कि नीच जात का उन्होंने बोला गया है, ऐसी समाज को नीच जात बोला गया उसने। किरामल स्वास्थ्य केंद्र बगड़ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, हॉस्पिटल के सामने बैठेंगे। सुभाष बुंदेला बगड़।